सर हम लोग दिल्ली के सीडी इंटरनेशनल बैंक की तरफ से आए हैं। आपकी कंपनी ओबेरॉय इंडस्ट्रीज ने हमारे बैंक से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे थे सर। यस आई नो इट। ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पोते राजू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। सर हम ये खुशखबरी मिस्टर राज ओबेरॉय को देना चाहते हैं। कहाँ है वो सर? मेरा राजू, मेरा पोता, वो समझदार इंटेलिजेंट कहलाने वाला लड़का, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करने वाला लड़का, मेरा राजू, मेरा पोता बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। वो एक हादसे की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, कुछ धुंधली यादों के सिवा अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। सर वी आर वेरी सॉरी। अब हमें लोन की जरूरत नहीं। आप किसी जरूरतमंद कंपनी को ये लोन दीजिए, जहां के मजदूरों को नौकरियां मिल सके और उन गरीबों की दुआओं से मेरे राजू को एक नई जिंदगी मिल सके। ओके सर हम चलते हैं। डैड, राज के लिए आपकी ये भावनाएं, आपके ये आंसू हमारी जान निकाल देते हैं। सच पूछिए तो हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। बाबूजी इस तरह से घर में आए 500 करोड़ रुपए को ठुकराना कोई गुड बिजनेस तो नहीं है। डैड जहाँ हम इतनी फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लेते हैं। जी हाँ 100%, आप कहें तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर डैड हमारा बेटा विक्की भी तो राज की तरह आपका पोता है ना? बेटे बात पोते की नहीं है, बात गुणों की है, बात काबिलियत की है। बाजार में आम तो बहुत हैं, मगर कुछ खट्टे होते हैं और कुछ ही मीठे होते हैं। हाँ आपकी नजरों में तो मैं एक सड़ा हुआ आम हूँ जिसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये गुण है इनमें। मुझे पता है बाबूजी इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, वो तो इसे बचपन से जानते हैं। बाबूजी आप वो प्रोजेक्ट इसे सौंप दीजिए, फिर देखिएगा ये सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेगा। बहू रानी, जो आदमी अपने दो पैरों पर अपना शरीर नहीं संभाल सकता वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा। आप अपने बेटे को संभालिए, हमारी नजरों से तो गिर ही चुका है, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। कहा था ना। डैड बोलो मेरे लाल। डैड हाँ क्या फर्क है उस पागल में और मुझ में? ज्यादा फर्क नहीं है बेटे, वो साला सुबह उठकर दूध पीता है और मेरा बेटा सुबह उठकर शराब पीता है। वो साला हर रोज अपने दादाजी का रात को पाउंड दबाता है और मेरा बेटा हर रोज दादाजी की गर्दन दबाने की सोचता है। बस यही फर्क है तुम में और उसमें। अले वाले वाले वावा क्या मजा आ गया। अले हली वाली आइसक्रीम तो बहुत ही कमाल थी और ये थपेट वाले भी मेरे को अच्छा लग रहा था, जैसे मैंने अपने मुंह के अंदर बर्फ का पहाड़ रख दिया और वो जाके मेरे पेट में घुस दिया हो। और ये चॉकलेटी वाली का तो दवा भी नहीं था और ये ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं थुगल फैक्ट्री खा गया हूं। बाबूजी ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए निमोनिया हो जाएगा। ए मैं अपने दादा से पैसे की खा रहा हूं, तेरे बाप के पैसे की नहीं खा रहा हूं, ऐसा ड्रामा मत कर, मेरे को पतला भी होना है आइसक्रीम खा के। ए मुरली जी अरे इधर आओ जल्दी से, आओ जल्दी से, मुझे पतला होना, जॉगिंग ऑल करो जल्दी से आओ। जान मिल जाए तेरा पतला होना, दो घंटे से तेरे लिए गधे की तरह जॉगिंग कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मुलाली जी तुम जॉगिंग करोगे तभी तो मैं पतला होऊंगा, मैं कितना खाता हूँ देखो ना। तेरी जॉगिंग से तू पतला होगा? अबे कमाल कर एक आदमी मिला यार। ए मैं क्लैक नहीं हूँ, मिला सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी तो आप टाइट है। इसके सारे स्क्रू गिर जाए बहुत अच्छा है, ये बंदर। ए बंदर कभी बोलना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राउंड कैंसिल कर दूंगा। चलो एक तेकिनो फिलते, एक ते फिलते किनो, फिर से फिलते। अरे मैं 10 लगा के आया। बात है तू 25 बता, तैतरी मोहन निताल मैं बेग प्रेस करूंगा। चलो हाँ और बता। आप 50 खा चुके हैं बाबूजी। अरे यार तू थमता नहीं है, मैं मीना का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। बाबूजी ये मीना कौन है? अरे मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी मेरी शादी होने वाली है, हमारा बहुत दिन से अफेयर चल रहा है। ला चल ला, जब मैं आइसक्रीम को किट करता हूँ ना मुझे लगता है मैं मीना तो किट कर रहा हूँ। अच्छा मीना की पप्पी ली थी? मीना थी ना। आई लव यू मीना। ए मुलाली जी, अरे मुलाली जी एक मिनट बात तो नहीं है। इधर आओ, मेरे को ना आपको एक नया सवाल मानना है। अरे सवाल पूछा जाता मारा नहीं जाता। लेकिन मैं तो मानता हूँ। देखो एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी और एक दिन दोनों थुप्पा थुप्पी खेल रहे थे और तीती है ना, तीती मंदिर में जाकर थुप गई, लेकिन वो हाथी तो तेते पता लगा कि तूती मंदिर में है।
हो सकता है हाथी को दूसरे हाथी ने बताया कोई चींटी मंदिर में। अरे मेला हाथी बहुत मारते है, वो किसी से पुत्ता उत्ता नहीं है, वो अपनी थोपड़ी तलाता है मेली तला। मुझे नहीं मालूम, मैं हार गया। अरे बताओ ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। अरे वो हाथी ने तीती के टप्पल मंदिर के बाहर देख ली तो पता लग गया तीती मंदिर के अंदर होती है। इतनी सी चींटी, उसकी चप्पल हाथी ने देख ली। हाँ देख ली। मैं अपने ऊपर लानत भेजते हुए 30 राउंड और मारता हूँ इसी बात पे यार। मैं खुदकुशी कर लेता हूँ जाकर कहीं भी। ए तेरे को मैंने बताया था आइसक्रीम देने के लिए बोला था, तूने मुझे एक तो दिया। तीतिंग है, तीतिंग है। आइसक्रीम आप यही खाएंगे या पैक करने वाले? तुम अपने चलो मिली सुनो, ये पूरी आइसक्रीम का डब्बा मेरे बंगले पे भेज दो जी, और आधी भेज देना। अरे ए, ए, क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? तुमको किडनैप कर रहे हैं। किडनैप कर ले ओते, मोस्ट वेलकम। ए तमाल दे तो सकता ही बाबूजी मेरे पैसे। अरे मुलाकात ले लो, मैं किडनैप बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ए ए कुत्ते, क्या बात है? वही जिसका मुझे डर था। किस बात का डर था? जिसका आपको नहीं था। ओहो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोलूं, फोन आएगा खुद समझ में आ जाएगा आपको। हेलो। अरे दद्दू, ये सब लोग फालतू टाइप के कुत्ते टाइप के लोग हैं, इनको पैसा वैसा देना नहीं, मैं इनको तो बेवकूफ बना के उल्लू बनाते रहता हूँ। मेरे पोते पर हाथ उठाया। बस बस, अपन समझ गया तू तेरे पोते से बहुत प्यार करता है। अब तेरा पोता मेरे लिए 10 करोड़ के कैश का टोकन है। अब अगली बार घंटी बजाऊंगा, माल देने की जगह बताऊंगा, नहीं तो तेरे पोते के टुकड़े 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 करके घर भिजवाऊंगा। मैं टुकड़े कर ला तेरे बाप का ला दे क्या? अबे ऐसे हिल क्या रहा है? पहले लोकल ट्रेन में तने बेचता था क्या? तने तने। डैड माना कि राज को बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमाई इस तरह से लुटाना कोई समझदारी है क्या? बेटे वो कमाई किस काम की जो एक जिंदगी भी नहीं बचा सके? एक हाथी था और एक टीटी थी, दोनों स्कूटर पे जा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया के पास थे। इतने ट्रक ने उनको ठोक दिया और वो है ना हाथी मल गया और टीटी बच गई। बताओ तेते। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। टीटी स्कूटर से जब मार के उतर गई होगी। स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल था उधर। नहीं, हाथी के पीछे छुप गई होगी। वो आए दिन ठीक खेल रहे थे, फालतू बात मत कर। हार गए। ओके ओते। अरे तीती ने हेलमेट पहन रखा था 34। अभी मैं भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे 10 करोड़ के कैश के टोकन मेरे गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। तो ही बात नहीं है, काम चलो। तुम मुझे इधर टाइट पकड़ लो। पकड़ा तुम ही, राइट पकड़ लो। ए तू तौलत पता ले, तौलत 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 पता ले तू। कस के पकड़ना। ए तू मेरी पूत पकड़ ले, पूत। ओके तब ले दियो। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 4 5। ए भाग गया, पकड़ो उसको। पकड़ो मेरे को, पकड़ो पकड़ो। आओ आओ पकड़ो पकड़ो। ए इतने देर में टैबलेट टैबलेट। ए टैबलेट टैबलेट ए टैबलेट। मैं आउट होता है। टैबलेट टैबलेट। अरे आ तो आ तो टैबलेट टैबलेट टैबलेट। क्या हो रहा है? अरे तू तो मैं हूं मैं। अरे राज बेटे तुम? हाँ। अरे इन लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? मैं वहाँ से भागा तो मेरे पीछे भागे, मैं रोड से भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं गार्डन में भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं पुलिस स्टेशन में भागा, ये लोग फिर मेरे पीछे भागे। क्या बात कर रहे हो? तू जुबान से तोतला है पर दिमाग से खोखला नहीं है। अरे बाबा मैं तो ट्रूथ ही बोल रहा हूँ कि मेला सिर्फ एक ट्रूथ दिला है ताकि तब ताए थे। जब यार रोना नहीं, तू तो रोना अब तक कौन होता मालूम? अता इन पे तब मैं चलता हूँ, मेरे दादाजी ओल्ड मैन है ना, वो टेंशन में होंगे। हाँ तो तेती तैयार होते। ओके बेटे होते। तद्दू हम आ गए। राजू मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, राजू मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं दद्दू, वो तो हमको छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन तुम उनके चुंगल से निकले कैसे? अरे अपनी वो लर्निंग डॉगिंग, मैं आधे आ गया हूँ मेरे पीते पीते, और मैं तो रनिंग में नंबर वन हूँ ना। पूछिए मुलाली काका से कितनी अच्छी डॉगिंग करता पूछिए। मत याद दिला, सोच कर ही मेरी सांस फूलने लगी है। मुलाली काका, हमारा राजू जॉगिंग की वजह से सही सलामत घर वापस आ गया है। अभी सुबह से शाम तक जॉगिंग करे हमें मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है, नौकरी मंजूर है। आपको पता नहीं है ये जॉगिंग करता कहाँ है, ये आइसक्रीम चाटता रहता है, हम इसके बदले जॉगिंग करते रहते हैं। मुलाली काका झूठ बोले तो हुआ था। गुड मॉर्निंग ओब्राय साहब, ये सिर्फ भाग कर नहीं आया है, ये उन किडनैपर्स को जेल में बंद करवा कर आया है। क्या? हाँ, आपका पोता बड़ा स्मार्ट है ओब्राय साहब, इज वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बधाई देने आया था, उन किडनैपर्स पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। ओह। और वो 10 लाख आपके पोते को मिलेगा। ये गई। अरे इन्हें क्या हो गया?
कोई हजार के ऊपर की बात करे तो ये लुढ़क जाती है, आपने तो 10 लाख का फटका एक साथ में मार दिया। आहिस्ते आहिस्ते, जल्दी नहीं। मैं चलता हूँ भाई साहब, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड लक। पैसे से बहुत प्यार है तुम सबको ना, कहो तो वो 10 लाख की रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। अरे नहीं नहीं दद्दू, 10 लाख रुपए इनको तो दे दे। 10 लाख रुपए मैं अपने पे तत्ता करूंगा, 5 लाख रुपए की पाती दूंगा और 5 लाख रुपए की आइसक्रीम दाऊंगा। 5 लाख की आइसक्रीम खाएगा तो सड़ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। अरे मैं ऐसा नमूना हूँ कि मुझे निमोनिया हो ही नहीं सकता, बल्कि आइसक्रीम मैं खाऊंगा और थलेंगे आप। मुरारी जी, दद्दू मुरारी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं तो प्यार कर रहे थे। अरे हम लोग पार्टी देंगे और मेरा बर्थडे मनाएंगे, है ना दद्दू? अरे हम लोग बर्थडे मनाएंगे तो मीना आई दी, मीना मेरे लिए लेदर लेकर आई दी, गाना दाए दी, खेत आते दी, और उसके बाद मीना मेले को पप्पी कर लेगी इधर। दिल क्या तले दबती थी तो थी ते प्यार हो दाए। ए बगले, नीचे चलो। उती उती ए बगले, नीचे चलो, केक काटना है। अरे चाचू इतने तिल्ला रहे हो, हाँ? अरे पालती मेरी है, टेट मैं काटने वाला हूँ, थाने वाली है मीना, तुमको इतनी ततवाने की तल्ली क्यों पड़ी है? देख नहीं रहे मैं तैयार हो रहा हूँ। तैयार होने में इतनी देर लगती है? तुमको भी तो देर लगती है, 2-2 घंटा बैलकर अपने बाल ताले तरते रहते हो, आंखों में लेंटेज लगाते हो, दांत धोते लगाते हो, आधी चीजें नकली है तुम्हारे बॉडी में। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने एक दिन तब देख लिया था। हाँ नहीं तो क्या, अंदर की बात बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, ए बेटा नीचे चल, सब पार्टी में तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। पार्टी में? पार्टी में मीना आ गई? नहीं मीना नहीं आई। तो मीना के बगैर पालती पालती नहीं है। जब तक मीना नहीं आती चलो हम लोग बैठ कर टाइम पर तरते, मैं नया थवाल मालता हूं। नहीं, 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 नहीं। वो चींटी और हाथी को छोड़ के कोई भी सवाल पूछना मुझसे। अरे लेकिन मुरारी थी मेरी जिंदगी तो तूती से थ्रू होती है और हाथी पर खत्म हो जाती है। हाँ तो हाथी था और एक तीती थी। ये पार्टी में जाने का मौका है, पहेलियां बुझाने का नहीं। तातू क्या है? ओ एक्सीडेंट, तातू होता है क्या है? ओ एक्सीडेंट, तातू होता है क्या है? ओ एक्सीडेंट, तातू 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 एक्सीडेंट तातू। अभी तू चलता है या मैं एक्सीडेंट शुरू करूं? तेते वो क्या है? वो मैं तो पागल थोड़ी हूँ। अरे मेला सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। तेरी वजह से मेरे सारे स्क्रू ढीले हो गए हैं। अरे मुलाली जी एक बात बोलूं? यू आर ग्रेट, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो। मतलब मैं दुनिया से बाहर हूँ? देखो दोस्तों, दो हाथी थे, दोनों झील के एक पार खड़े हुए थे, झील के बीच में ना एक नाव थी, दोनों को इधर से उधर जाना था, तो बताओ कैसे जाएंगे? मेरे साथ से तैर के जाएंगे। अरे दोनों को तैरना ही नहीं आता है, वो हाथी उनसे तैरा ही नहीं जाता है। वो दोनों बोट में बैठ के चले जाएंगे। अरे बोट होती है, दोनों उसमें धूती नहीं धकते हैं तो दाएंगे तैरते। तो फिर बताओ ना कैसे जाएंगे? तो आप लोग बताओ ना कैसे जाएंगे? नहीं बता सकते। कोई नहीं मैं बताऊं। अरे दोनों जाएंगे नहीं, मरना तो लिया। कहानी होगी ना, चलो अभी एक काम करो, केक काट लो। ए धिंगुल तू बीच में बोल मत, तब तक मीना नहीं आएगी मैं तेज नहीं था। मीना नहीं आएगी, उसके घर वालों ने उसको रोक के रखा है। अले उसके घर वाले लोके यार, थाली दुनिया मिल के लोके, मेली मीना दलूल आई थी। लो मीना आ गई। Oh, Meena, I'll tell you something. Mm-hmm. You are looking great. You're out of the world. Thank you, Raj. जानती हो मीना, यहाँ पे तब लोग बोल रहे थे कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मेरा दिल बाल बाल टीक टीक के बोला था कि तुम जरूर आओगी। ऐसा कभी हो सकता है राज कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ? अरे तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आओ, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ आओ, दद्दू मीना आ गई। नमस्ते दादाजी। मीना इधर आओ, मीना ए जिंगुल बाजू में, कम कम मीना, तम 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 ये कम तक तली पागल के।